हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जय फैमिली ब्लॉग। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरे सभी फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हाथ देख के ही आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो अच्छा नहीं हो, क्योंकि मेरे हाथ पे लगा है चोट। और चोट कैसे लगा है तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को कैसे मैंने ये चोट लगाया है हाथ में। सो फ्रेंड, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे आई हूँ अलीपुर से। और आज मैं छोटकू से मिलने गई थी, वो दो दिन पहले ही मेरे घर से गई है बहन। तो आज छोटकू को मिलने उसके घर गई थी और टाइगर से भी मिल गई हूँ। तो भाई बहन सब अलीपुर में ही रहते हैं ना, वहाँ पे गई थी। तो आज ना मौसम बहुत बढ़िया था, बारिश हो रहा था, सुबह एक बार बारिश हुआ था, दोपहर को भी हुआ है, और हम गए थे शाम को। तो शाम को यहाँ से मैं गई थी 5 बजे, और तब तो बारिश नहीं था, मौसम बहुत बढ़िया था, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। तो सोचा कि आज घूम के आ, तू ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट ही लगता है अगर स्कूटी बाइक या गाड़ी में जाओ तो, 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता, पास में ही है। तो जब आते टाइम ना मेरी बहन के घर के सामने, मतलब रोड बन रहा है, तो वहाँ पे नाले में गिर गई मैं, और गिर के ये हाल हो गया है, हाथ में बहुत ज़्यादा चोट आया है। उस टाइम तो ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन घर आने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और हाथ भी फूल गया है। तो अभी बर्फ़ का सेकाई किया है, और सेकाई करके ओमनिजल ट्यूब लगा के अभी पट्टी बन के रखा है। हाथ मतलब पूरा फूल गया है, जहाँ पे मैंने हाथ के बल ही गिरी थी। ऐसे तो कहीं पे चोट नहीं लगा, लेकिन हाथ पे चोट लगा है तो हाथ पे दर्द हो रहा है। तो अभी मैंने एक टैबलेट भी लिया है दर्द का, क्योंकि उस टाइम जब गिरते हो ना तो पता नहीं लगता, बाद में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और अभी दवाई लेने के बाद थोड़ा सा आराम मिल रहा है, मतलब हो गया है मेरे को, आधा घंटा हो गया घर आने के बाद ना। फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज किया है, क्योंकि सारे कपड़े में कीचड़ कीचड़ हो गया था वहाँ पे। तो अभी थोड़ा चेंज करके दवाई ववाई लगा के फिर अभी आई हूँ मैं कैमरे के सामने आप लोगों को बताने की आज हुआ क्या है। तो ये हादसा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि बारिश इतना तेज़ नहीं हो रहा था, हल्का हल्का बूंदे ही गिर रहा था, लेकिन वहाँ पे है ना थोड़ा सा रोड बन रहा है, तो घर के सामने ही, मेरी बहन के घर के सामने ही है नाला, वही पे ही गिरी थी मैं। क्योंकि बारिश की वजह से ना लाइट भी नहीं था, तो अंदर ऐसा दिख नहीं रहा था अच्छे से, इसीलिए गिरी थी मैं। तो ये हाल हुआ है हाथ का। तो अभी बेटे ना सब्जी काट रहे हैं, तो मैं तो बनाऊंगी सब्जी, लेकिन अभी वो कट कर रहा है सब्जी वगैरह सब। तो उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अभी खाना बनाने, और आज रात को कुछ हल्का वल्का खाना ही बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ तम झम कर लूँगी नहीं, क्योंकि हाथ का ये हाल हुआ है तो रोटी नहीं बना पाऊंगी, इसीलिए आज रोटी नहीं बनाऊंगी, तो नीमकिन चावल ही बनाऊंगी। तो बेटा तो अभी सब्जी कट कर रहा है। और चलो फ्रेंड, अभी हाथ रात तक ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो कल तो मेरे को फिर जाना पड़ेगा एक्सरे कराने हाथ का। तो ऐसे मेरे को नहीं लग रहा कि हड्डी वड्डी टूटा है, तो अगर ज़्यादा खरा मतलब दर्द हुआ अगर सुबह तक हाथ थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ तो एक्सरे तो ज़रूर कराना ही पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कराना पड़ेगा, भगवान करे कि मैं रात को ही ठीक हो जाऊँ, जो ओमनिजल ट्यूब लगा के अभी पट्टी बांध के रखा उसी से मैं ठीक हो जाऊँ, तो वो अच्छी बात होगा, नहीं तो फिर मेरे को तो बहुत परेशान होना पड़ेगा। अभी तो देखती हूँ कल तक का, वेट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अगर ठीक नहीं हुआ तो एक्सरे तो कराना ही पड़ेगा। चलो फ्रेंड, तो फिर अभी क्या बना रही हूँ वो दिखा रही हूँ। सब्जी कट कर रहा है अभी, नमकीन चावल बनाऊंगी तो सब्जी कट रहा है, मेरा हाथ का तो बुरा हाल है, मैं नहीं कट पा रही हूँ, तो वो सब्जी कट रहा है। यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स है अभी, गाजर बीन्स टमाटर प्याज ये सब काट रहा है, इसके बाद मैं सौंफ लगाऊंगी नमकीन चावल। तो उसके लिए मैंने अभी प्याज हरी मिर्च इसका भून लियो तेल में, पहले मैंने थोड़ा सा जीरा और तेज़पत्ता डाल दिया था, और अभी प्याज और हरी मिर्च डाल के ना इसको भून लियो अच्छे से, तो इसको फ्राई करके उसके बाद इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। और यहाँ पे ना पनीर फ्राई करके रख दिया है,
काफ़ी सारे वेजिटेबल्स सभी बेटा काट के गया। इसमें शिमला मिर्च, गाजर और बीन्स है और टमाटर है, यहाँ पे टमाटर भी कट करके रखा है। ये सब डालूंगी। सब प्याज भून चुका है, अभी इसमें सब्जी डालूंगी। तो सारे सब्जी डाल दिया है, अभी इसको थोड़ा सा भूनूंगी, मतलब 2-3 मिनट ही अच्छे से चलाऊंगी। तो ये सब्जी मैंने डाल दिया है, और एक आलू डालना था बेटा नहीं कटा, अभी कट रहा है। ये देखो अभी आलू कट रहा है, आलू का छोटा छोटा पीस करना, बड़ा नहीं करना है। अभी आलू भी डालूंगी, अभी ये गैस स्लो कर दिया है, आलू भी डालना है। चलो अभी बाकी आलू भी डाल देते हैं, ये आलू अभी कट रहा था वो आलू डाल देते हैं। तो टमाटर थोड़ी देर बाद डालूंगी। तो काम चालू, नमकीन चावल बन रहा है आज, झटपट बनने वाला सब्जी। इसमें अभी हल्दी और नमक डाल देते हैं, एक हाथ की वजह से मैं कैमरा नहीं कर पा रही दूसरे हाथ से, इसीलिए अभी बेटा हिला रहा है चमचा। अभी मैं फोन पकड़ रखी हूँ ना, अभी हल्दी नमक डालती हूँ मैं, नहीं डाल देता। हाँ हल्दी नमक डाल दे, बस थोड़ा सा हल्दी डाल दिया है ना, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, लाल मिर्च पाउडर और नमक हल्दी डाल दिया और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दे। हाँ हो गया, अब नमक डाल दे, थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। इतना हाथ में दर्द लेके थोड़ी खाना बना पाऊंगी मैं। हाँ बस बस बस, बाद में डालेंगे कम होगा तो। हाँ अभी इस पर हिला अच्छे से, 2-3 मिनट हिला अच्छे से, टेंसी चला बेटा हिला रहा है, हाथ से हिला नहीं पा रही हूँ और कैमरा भी नहीं कर पा रही हूँ। देखो कैसे हिला रहा है, कैसे हिला रहा है, कढ़ाई गिराना है क्या। बस 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 हो गया, ये भून चुका है अच्छे से, और अभी इसमें डाल दूँगी पनीर और टमाटर। तो पनीर और टमाटर डाल के 1 मिनट तक और अच्छे से इसको मिला के फिर पानी डाल दूँगी। मैंने टमाटर पहले नहीं डाला क्योंकि सब्जी अच्छे से फ्राई नहीं होता, इसीलिए अभी टमाटर डाल दिया, पनीर भी डाल दिया, 1 मिनट और अच्छे से चला के, और उसके बाद फिर पानी डालूँगी। और इसमें थोड़ा सा अभी डालूँगी मैं जीरा पाउडर, तो जीरा पाउडर डाल देते हैं। तो सब कुछ अच्छे से भून चुका है, और यहाँ पे पहले से चावल भिगो के रखा था, तो अभी ये चावल डाल दूंगी इसमें। और अब डालूंगी पानी, अभी पानी में बॉईल आ गया है, और डाल देते थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। पहले मैंने डाला था सब्जी भूनते टाइम थोड़ा सा, और अब थोड़ा सा डाल दिया है, और अभी इसको मैं ढक दूंगी, ढक के पकाना है कम से कम 10 मिनट। तो ढक देते हैं, चावल रेडी हो गया है, और ये देखो कैसे दिख रहा है, पिज्जा की तरह दिख रहा है, कलरफुल। अभी इसमें डाल देते थोड़ा सा गरम मसाला, तो अभी गरम मसाला डाल रहा है इसमें, और अभी 1 चम्मच घी डालेंगे, और अभी डाल दो 1 चम्मच घी। तो 1 चम्मच घी अच्छे से इसके ऊपर फैला दिया है, और अब घी डाल दिया है, अब सब इसको मिक्स कर रहे हैं। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो अभी जॉय चम्मच से हिला रहा है नमकीन चावल को, अच्छे से मिक्स कर रहा है, गरम मसाला और घी डाला ना, तो उसके साथ अच्छे से मिक्स करके एकदम बढ़िया हो गया है नमकीन चावल। तो ऐसे बनाती हूँ मैं नमकीन चावल, अब एकदम रेडी हो गया है प्लेट में जाने के लिए नमकीन चावल। और इसके साथ ना अभी एक फ्राई करके खाएंगे ये लोग, तो इसके साथ एक एक करके अभी ऑमलेट बनेगा एक वाला, और इसके साथ खाएंगे। इसको ऐसे भी खा सकते हो, अगर जैसे कि जिस दिन आप लोग नॉन वेज नहीं खाते हो ना, उस दिन इसको बना के इस तरह खा सकते हो, लेकिन प्याज लहसुन नहीं देना, बाकी सब चीज़ मसाला डालकर इस तरह से नमकीन चावल में बनाती हूँ। ज़्यादातर मैं सैटरडे को भी बनाती हूँ, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, तो ऐसे ही बनाती हूँ मैं। उस दिन तो प्याज नहीं डालती हूँ, लेकिन आज प्याज डाला है, क्योंकि आज हम लोग प्याज खाते हैं इसीलिए। तो ये तो रेडी हो गया है, और अभी खाएँगे इसको सब लोग। तो पहले अंडा फ्राई कर लेती हूँ। यहाँ पे थाली रेडी हो गया है, दही सलाद नमकीन चावल और ये एक ऑमलेट। तो इसी के साथ रात का डिनर का थाली हो गया है रेडी,
तो अभी खाने की बारी है। नमकीन चावल बना के अभी हम लोग खा रहे हैं, रात का डिनर है। और ये काम चावल नमकीन चावल बहुत टेस्टी बना है, और ये बताएगा कैसे बना है। अरे इसको दे दिया है एक बड़ा सा ऑमलेट बना के, मैंने खा रही हूँ। मैं दही से खा रही हूँ, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बना है फ्रेंड। तो मेरा हाथ का तभी दर्द है, तो बेटे ने काट दिया था सब्जी वगैरह और मैंने बनाया, लेकिन बहुत बढ़िया बना है। और अभी रात का डिनर यही है, नमकीन चावल। और अभी जाए ना थोड़ा वीडियो बना रहा है, वो कैमरा कर रहा है, तो उसको भी अभी मुंह में पानी आ रहा है, देखते हो अभी खाएगा। तो वीडियो को भी यही पे एंड करती हूँ फ्रेंड। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, गुड नाइट, अच्छे रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।